Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll deal with few true-false questions from your syllabus. Okay? I have taken few important true-false from your syllabus. We'll be discussing those things today. Okay? So let's start with the first question. A plant with fibrous root have reticulate venation in their leaves. वो plants जिनमें fibrous root होता है, ठीक है, उनका venation, reticulate venation होता है leaves में. Answer is false. They have got parallel venation. वो plant जिसमें fibrous root होता है, उनका reticulate नहीं, parallel venation होता है. अगर reticulate venation चाहिए तो जो रूट्स होगा वो टैप रूट होगा. क्लियर? प्लांट विथ टैप रूट हैव गॉट रेटिकुलेट वेनेशन, बट अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट हैज गॉट पैरेलल वेनेशन. ठीक है? सो योर आंसर इज फॉल्स. यानी अगर फाइब्रस रूट होगा तो वेनेशन पैरेलल होगा. ठीक है? और अगर रेटिकुलेट वेनेशन दिया हुआ है आपके पास और इधर आप करेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे होगा टैप रूट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कार्पेल इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. जो कार्पेल है वो फ्लावर का मेल पार्ट है. ठीक है? कार्पेल जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट है. आंसर इज फॉल्स. इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. मेल पार्ट है आपका स्टेमन. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन सा है? कार्पेल. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. सेपल्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और सेंटेड होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर रिप्रोडक्शन. आंसर इज फॉल्स. ये पेटल्स का काम है. ठीक है? पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड दे आर सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर रिप्रोडक्शन. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. प्रॉप रूट सपोर्ट द ट्री जस्ट एज अ पिलर सपोर्ट अ बिल्डिंग. प्रॉप रूट्स जो होता है, जैसे आपके पास बैनियन ट्री है, उनमें जो रूट्स ब्रांचेज से हैंग होते हैं नीचे, वो रूट्स का जो प्रॉप रूट्स है, ठीक है, वो पिलर के जैसा एक्ट करते हैं. जैसे पिलर हमारे बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, ठीक उसी प्रकार वो प्रॉप रूट्स हमारे बैनियन ट्री को या ट्री को सपोर्ट करते हैं. आंसर इज ट्रू. प्रॉप रूट्स एक्ट एज अ पिलर. नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग लेबरर नीड्स मोर एनर्जी विच ही कैन गेट बाय ईटिंग मोर प्रोटीन्स एंड विटामिंस. हार्ड वर्किंग लेबरर्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो लोग को ये एनर्जी प्रोटीन और विटामिंस खाने से मिलेगा. आंसर इज फॉल्स. दे नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. दे नीड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स फॉर गेटिंग मोर एनर्जी. ओके? फॉर गेटिंग मोर एनर्जी दे नीड्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी. स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन डी की कमी से होता है. आंसर इज फॉल्स. विटामिन सी के कमी से होता है. विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स. क्लियर? नेक्स्ट, द मिड डे मील स्कीम इज अ गवर्नमेंट स्कीम वेयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस इन इंडिया आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशियस फूड इन देयर स्कूल्स. ट्रू. मिड डे मील स्कीम जो है आपका, ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, जिसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो जाते हैं, उनको फ्री मील मिलता है. मतलब खाने को फ्री मिलता है, न्यूट्रिशियस डाइट मिलता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज ट्रू. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी गिवन इन अ फिलअप. द डैश इज अ गवर्नमेंट स्कीम वेयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस इन इंडिया आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशियस फूड. So you have to keep in mind, midday meal scheme is a government scheme where
children going to schools are given nutritious food. Clear? Next is question number 8. The first link in all food chain is plants. हर एक फूड चेन का जो सबसे पहला लिंक जो होता है वो प्लांट होता है. आंसर इज ट्रू. द फर्स्ट लिंक इज प्लांट. नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज कंज्यूमर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं. आंसर इज फॉल्स. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. नेक्स्ट, फैट्स एक्चुअली कंटेन्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. आंसर इज ट्रू. फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है. फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है. सो इट इज़ करेक्ट. एंड लास्ट इज स्टार्च रिलीजेस एनर्जी मोर स्लोली देन सुगर्स. जो स्टार्च जो है वो एनर्जी सुगर्स से ज़्यादा देर में रिलीज करता है. आंसर इज ट्रू. यानी सुगर आपका एनर्जी बहुत जल्दी रिलीज करता है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.